तो दोस्तों, मेरा नाम है सत्यानंद और आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन चार्ट पर बहुत अच्छे तरीके से ड्रॉ करना सिखाऊंगा दोस्तों, कि कैसे दोस्तों आप चार्ट पर रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, मैं अपने लैपटॉप की स्क्रीन पर आ चुका हूँ। अब दोस्तों, आप जिस भी ऐप को यूज करते हो दोस्तों, आप उसे ओपन कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप ट्रेडिंग व्यू नाम की एक वेबसाइट है दोस्तों, आप उसे ओपन करके दोस्तों उसमें भी आप रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकते हो। दोस्तों, आप ट्रेडिंग व्यू में मत लो। अगर दोस्तों आप फोन में कर रहे हो तो दोस्तों फोन में कर रहे हो दोस्तों, तब तो आप जिस ऐप का यूज करते हो दोस्तों उसी को यूज करें, या फिर दोस्तों ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हैं दोस्तों। उसका भी एक ऐप है प्ले स्टोर डाउनलोड करके। अगर दोस्तों आप लैपटॉप में कर रहे हो तो दोस्तों आप ट्रेडिंग व्यू को यूज कर सकते हैं दोस्तों। तो दोस्तों ट्रेडिंग व्यू को यूज ओपन करने के लिए आपको गूगल क्रोम को ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपको यहाँ पर ट्रेडिंग व्यू सर्च कर लेना है। ट्रेडिंग व्यू सर्च करने के बाद यहाँ पर फर्स्ट ऑप्शन मिलेगी ट्रेडिंग व्यू ट्रैक और मार्केट। इसके नीचे आपको चार्ट दिख रहा होगा, चार्ट पे आपको क्लिक कर देना है। अब जैसे ही दोस्तों चार्ट पे क्लिक करोगे, चार्ट ओपन हो जाएगा दोस्तों। आप देख सकते हो कि यहाँ पर चार्ट ओपन हो चुका है। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन कैसे लगानी है ये मैं आपको बता देता हूँ। तो दोस्तों रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन से दोस्तों होता ये है कि जब भी मार्केट उस लाइन में टच होता है दोस्तों, मार्केट नीचे आ जाता है। जैसे दोस्तों मैं यहाँ पर आपको लगा के दिखाता हूँ। जैसे कि दोस्तों यहाँ पर एक बार मार्केट आया, यहाँ से दोस्तों यहाँ से आपको ऐसे एक बार सीधे लाइन ड्रॉ कर देनी है। कि दोस्तों जैसे दोस्तों मैंने यहाँ पर एक लाइन ड्रॉ कर दी। आप देख सकते हो कैसे ड्रॉ किए, इसके पीक से दोस्तों, इसके जहाँ पर ये जहाँ पर इसका हाई है उससे दोस्तों इसके ऐसे दो दो से तीन पॉइंट दोस्तों आपको मिलानी है, और दोस्तों एक रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है दोस्तों ऐसे। या फिर दोस्तों आप यहाँ पर दोस्तों रे है, रे से भी दोस्तों आप आसानी से ड्रॉ कर सकते हो। जैसे कि दोस्तों मैं यहाँ पर आपको एक बार ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और दोस्तों एक बात और, रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन हमेशा दोस्तों कैंडल के ऊपर लगी रहती है, नीचे नहीं लगेगी। अगर दोस्तों आप ऐसे नीचे की रुख में लगाओगे तो दोस्तों ये सपोर्ट कहलाएगा, और रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन दोस्तों हमेशा ऊपर रहती है, क्योंकि दोस्तों रेसिस्टेंस की लाइन से दोस्तों टकरा कर मार्केट नीचे आने के चांसेस आते हैं। तो दोस्तों इसमें दोस्तों आपको केवल एक बार एक पॉइंट पर क्लिक करना है। क्लिक करके दोस्तों आप ऐसे सीधे एक बार आपको कहीं जहां पे भी लगाना है वहां पे एक बार क्लिक कर दो बस। दोस्तों आप देख सकते हो कि रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन लग चुकी है। फिर दोस्तों आप इसे मूव करना चाहे दोस्तों मूव भी कर सकते हो। दोस्तों अगर आप ट्रेडिंग व्यू को नए हो यूज कर रहे हो तो दोस्तों मैंने ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल डाल रखा है अपने चैनल पर दोस्तों। वहां पे दोस्तों आप हमारा ट्रेडिंग व्यू का ट्यूटोरियल देख सकते हो दोस्तों। मैंने चार ट्यूटोरियल डाल दिए हैं दोस्तों, आप जाइए और देख लीजिए। क्योंकि दोस्तों उसमें मैंने बहुत चीजें बताई, जो जितने भी ये सब टूल्स है इन सब के बारे में मैंने बता रखा है। ये जो लाइन वाइन है कैसे लगाना है ये सब दोस्तों मैंने बता रखा है उसमें। ओके दोस्तों, इसका कलर भी आप चेंज कर सकते हो चाहो तो, यहाँ से लाइन पर क्लिक करके दोस्तों कलर चेंज कर सकते हो। ओके दोस्तों, अब दोस्तों मैं आपको और जगह रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन कैसे लगानी वो भी ड्रॉ करके दिखाता हूँ। जैसे यहाँ से मैं आपको ड्रॉ करके दिखाता हूँ। यहाँ से दोस्तों आपको लाइन सेलेक्ट कर लेना है, ट्रेंड लाइन या फिर रे, इन दोनों में से कोई सा सेलेक्ट करके दोस्तों आप लगा सकते हो। कि दोस्तों तो दोस्तों आपको कम से कम दो से तीन पॉइंट को मिलाना है, और दोस्तों आपको यहाँ पर एक रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर देनी है। दो से तीन दोस्तों पॉइंट मिलाओगे दोस्तों, जैसे कि दोस्तों आपको केवल दो से तीन पॉइंट मिलाना है और रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ हो जाएगी। जिसके दोस्तों आप देख सकते हो यहाँ पर ड्रॉ हो चुकी है रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन। ओके दोस्तों, मैंने अगर दोस्तों आपने हमारे हमारे से पहले वाले वीडियो देखा था दोस्तों वो जाओ देख लो। मैंने दोस्तों एक सपोर्ट की ट्रेंड लाइन कैसे ड्रॉ करनी उसके बारे में बता रखा है, वो अब जाके आप दोस्तों देख सकते हो। तो दोस्तों ऐसे आप रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर सकोगे दोस्तों,
आप जितना प्रैक्टिस करोगे तो उतने अच्छे से दोस्तों आप रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करना सीख जाओगे। तो दोस्तों मैं आपको एक दो और रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन ड्रॉ करके दिखाता हूँ। और दोस्तों एक जरूरी बात, यहाँ पर जैसे कि दोस्तों रेसिस्टेंस की ट्रेंड लाइन जरूरी नहीं है कि दोस्तों यहाँ पर ऐसे कैंडल हो और कैंडल हो तो जहाँ से दोस्तों जैसे कि दोस्तों यहाँ पर है, यहाँ पे आपने ऐसे लगाया, लगाने के बाद दोस्तों इसने ब्रेकआउट दिया दोस्तों, फिर दोस्तों ऊपर गया। तो दोस्तों कई बार ऐसा होता है कि मार्केट ऐसे ऊपर आता है, ऐसे नीचे आता है, ऐसे नीचे आता है, फिर दोस्तों इससे हल्का सा ऊपर चला जाता है, फिर दोस्तों वापस से डाउन टर्न में आ जाता है। कई बार होता है दोस्तों कि जो रेजिस्टेंस की ट्रेंड लाइन है उसको फेक ब्रेकआउट देता है और उससे वापस से नीचे आ जाता है दोस्तों। फिर आपको इसके हाई से नहीं मिलाना, इसके पॉइंट से नहीं मिलाना दोस्तों, फिर दोस्तों उसको आप इस लाइन को आपको उस कैंडल के हाई से मिलाना है जहां से दोस्तों मार्केट फेक ब्रेकआउट दिया था। ओके दोस्तों समझ गए। तो दोस्तों आई होप आपको हमारे ये आज का वीडियो अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा हो दोस्तों एक बार लाइक कर दे, और हमारे चैनल पे नए हो चैनल सब्सक्राइब जरूर कर दे, और बेल आइकन का बटन है उसे ऑल पे कर दे जिससे हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आती रहे। तो दोस्तों अगर अभी तक आपने अपना डीमेट अकाउंट ओपन नहीं कराया तो दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां से दोस्तों आप अपना डीमेट अकाउंट ओपन करवा सकते हो बिल्कुल फ्री में। तो दोस्तों आप मुझे कमेंट करें आपके जो भी डाउट्स हो वो मुझे कमेंट करें, मैं उसके ऊपर वीडियो बनाऊंगा। ओके दोस्तों, तो दोस्तों मिलते हैं किसी मजेदार वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।